जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी आ रही है गंगूबाई। तो उनका मैंने जो ट्रेलर देखा था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोच लिया कि मुझे इनका ये लुक रिक्रिएट जरूर करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। और बाय द वे, ये मेरे बाल जो है इसको अभी अवॉइड करिए। मैंने एक्चुअली सुबह में शैम्पू किया था, तो उसके बाद मैंने छोटे छोटे अपने ब्लीच बना ली थी, क्योंकि जो उनकी लुक है उसके लिए उनके बाल थोड़े थोड़े से कर्ली हैं। मैं अपने बालों को नेचुरली ही कल करी, जैसे कि मैंने कुछ पहले की वीडियोज में भी आपको करके दिखाया था। मैं अपने बालों में चीजें थोड़ी कम लगाना ही पसंद करती हूँ, जैसे कि कर्लिंग मशीन, स्ट्रेटनर, ड्रायर, ये सब कम ही पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैंने सुबह में ही थोड़े से कल कर लिए थे, तो इस तरीके के हो गए और थोड़े से ऐसे हो गए, तो उसको थोड़ा सा भी अवॉइड करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के मेकअप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस मेकअप वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो लुक शेयर करूंगी। एक तो उन्होंने जो ऑलरेडी आलिया भट्ट का जो इंस्पायर मेकअप लुक होगा वो, साथ ही उनके लुक को आप किस तरीके से ब्यूटीफुली आप भी कैरी कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं पार्टी है, इवन आपका बर्थडे, शादी किसी में भी है, तो भी आप ये लुक कैरी कर सकते हो। इसीलिए मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह में शैम्पू करने के बाद ही मैंने अपने बालों को इस तरीके से चोटी बना ली थी, तो और उसी टाइम ही मैंने अपना स्किन केयर भी किया था। तो अभी मेकअप वीडियो जो स्टार्ट हो रहा है उससे पहले मैं अपना स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अपना स्किन केयर करके। और अगर आपको जानना है कि मैं स्किन केयर में क्या क्या करती हूँ, तो मेरा अपकमिंग एक वीडियो आएगा, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं, उनके अंदर मैंने अपना स्किन केयर शेयर किया। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे फिट मी फाउंडेशन, जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है और मेरी स्किन टोन से मैच भी करता है। तो इस तरीके से हमें लेना है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से आज मैं डायरेक्ट ही अप्लाई करने वाली हूँ। मैं इसको सेट कर लेती हूँ अभी ही सेटिंग स्प्रे से, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है ऐसा स्टेप करने से। तो ये वाला मैंने कंसीलर लिया है, फोटो के हिसाब से उनकी आंखें जो थी वो बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, तो मैंने ये वाला कंसीलर चूज किया क्योंकि मेरा शेड जो है उससे एक से दो शेड थोड़ा लाइट है। अपने पूरे फेस को मैं अपसेट कर लेती हूँ कॉम्पैक्ट की हेल्प से। तो अब हम कंटोरिंग कर लेते हैं। कंटोरिंग के लिए मैं यहाँ पे पाउडर कंटोर यूज कर रही हूँ, पैलेट है इससे। काफी चीजल हमारा फेस लगता है, थोड़ा एक डायमेंशन मिल जाती है हमारे फेस को। हमारा यहाँ पे कंटोरिंग हो चुकी है, अब हम मूव करते हैं हमारे आई मेकअप की तरफ। तो जो फोटोज में मुझे देख के समझ आया, बहुत ही सुंदर सा एक पिंक का शेड था उनके आईज पे, तो मैं यहाँ पे ये वाला शेड लूंगी और इसको हम धीरे धीरे अपनी पूरी आईलेट्स पे। अब हमें क्या करना है कि एक थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा हमें ये वाला शेड पिक करना है, एक टोन डार्कर, और इसे अपनी बिल्कुल क्लोज हमें अपनी लैश लाइन पे ब्लेंड करना है। थोड़ी सी एक डेप्थ हमें मिल जाएगी जैसे कि मैंने फोटो में देखा। इस तरीके से हमें एक लाइनर ड्रॉ करना है, बहुत ही पतला सा हो, बिल्कुल एकदम क्लोज अपने लैश लाइन पे। मेरी आंखों पे बहुत ही सुंदर से एक काजल लग चुका है, बहुत ही पतला था। अब जो मेन उनकी लुक के अंदर है वो है उनका काजल। तो काजल के लिए मैं फिर से अगेन ब्लू हेवन का काजल ही यूज कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन में। काफी अच्छा ये काजल है, अफोर्डेबल में, वाटरप्रूफ है, तो ग्रीन और ब्लू भी मिल जाएगा, तो आप वो ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो।
फ्रेंड्स, मैंने अपनी आईज में काजल लगा लिया, बिल्कुल अपने इनर वाटर लाइन में लगाया और मैंने अपर वाटर लाइन में भी लगाया। अब हमें क्या करना है कि एक एंगल ब्रश लेना है और यहाँ पे ब्लैक कलर है मेरे पास, ब्लैक आई शेडो, उसको इस तरीके से डिप करना है ब्रश में और बिल्कुल क्लोज अपनी वाटर लाइन पे लगाना है। इसको इस तरीके से स्मच करना है आपको मोटा मोटा। मेन इसका गेम चेंजर पूरी लुक में यही है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा आई मेकअप मेरा हुआ है। अब मैं एक डार्केस्ट ब्राउन आई पेंसिल ले रही हूँ क्योंकि उनकी आईब्रो भी काफी ज्यादा थिक है, तो उसी तरीके से मैं भी जल्दी से कर लेती हूँ। पेंसिल को इस तरीके से पीछे से पकड़ना है और छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आपको उसको चलाना है। एक एंगल ब्रश की हेल्प से आप इसको ब्लेंड कर ले या फिर अपनी फिंगर की हेल्प से। आईब्रोज मेरी हो गई है डन। अब मैं ब्लशर लगाऊंगी, तो ब्लशर जो है बहुत ही कम है और पिंक कलर में मुझे दिखा, तो ये वाला शेड मुझे सही लगा एकदम, कि बिल्कुल बस हल्का सा अपने चीक्स पे मुझे इसको लगाना है। एकदम बिल्कुल सही लगा है। एक्चुअली ये सामने से मुझे ज्यादा लग रहा है लेकिन कैमरा में थोड़ा कम लग रहा है, बिल्कुल सही हुआ है। बस उनकी नोज पर इस पे नहीं था तो हम अवॉइड करते हैं। लगाते हैं हमारा हाइलाइटर, तो उनकी नोज पे काफी ज्यादा है। मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ सबसे ऊपर में। उनकी पिक्चर में जो मैंने देखा था तो नोज पे उनकी आईज के जस्ट नीचे और फोरहेड पे बहुत अच्छे से हाइलाइटर लगा होता, तो हम भी सेम वैसा ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, उनके फेस पे एक बहुत बड़ी सी बिंदी बनी है तो हम वही बनाने, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा रेड कलर है, रेड और पिंक का मिक्स एक्चुअली। उनके फेस पे यहाँ पे एक मार्क भी है तो वो भी बना लेते हैं। कुछ ऐसा सा ही मुझे लगा। या लिप शेड के लिए मैंने यहाँ पे दो शेड पिक करे हैं, ये है फेसेस कनाडा का रेड फेरी, काफी अच्छा शेड है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं लाइट करती हूँ एक दूसरी लिपस्टिक से, ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स की न्यूड कॉफी। सॉरी, मैं अपना मस्कारा लगाना तो भूल ही गई थी, तो मस्कारे के लिए मैं यहाँ पे अपना फेवरेट मस्कारा Maybelline हाइपरकल मस्कारा लगा ली हूँ। तो उनके आईज पे मैंने ये फॉल्सेस नहीं लिखी, काफी नेचुरली उनकी लैशेस थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है, ज्वेलरी भी पहन ली है। अब हम यहाँ पे अपने हेयर्स ओपन करते हैं, देखते हैं कैसे पूरे दिन भर की मेहनत क्या रंग लेके आई है। तो धीरे धीरे करके अपने बालों को हम ओपन कर लेते हैं। अच्छे कर्ल्स हुए नेचुरली, आप इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। वेट अपने हेयर्स को करिए, उसके बाद छोटे छोटे अपने ओनी बना लीजिए, इस तरीके से चोटी बना लीजिए, नीचे रबर बैंड से सिक्योर कर लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे कर्ल्स काफी अच्छे हुए हैं, काफी पसंद आ रहे हैं मुझे मेरे कर्ल्स। आप इसको बाद में, अगर आपको इसको पार्टी में पहन के जाना है या बाहर कहीं ज्यादा समय के लिए रखना है, तो आप इन पर अपना नॉर्मल सेटिंग स्प्रे करिए और उसके बाद आप गुड टू गो। फ्रेंड, जैसे कि बात हुई थी कि इस लुक को हमें दूसरे तरीके से भी कैरी करना है, तो सबसे पहले मैं अपना ये नोज पिन रिमूव करूंगी। अगर आप कैरी कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑलरेडी मैंने पहना है तो मैं ये हटा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना ये जो बड़ी सी बिंदी मैंने लगाई है इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ, और जो ये हमने तिल बनाया है इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्टिक फाउंडेशन हमें लेना है, और जहां जहां हमने रिमूव किया था अपना मेकअप ना, अभी हमें वहीं उसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे जहां पे बिंदी लगाई थी फिंगर से थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे।
फाउंडेशन के ऊपर मैं अब ब्लशर भी लगा लेती हूँ जिससे कि फाउंडेशन सेट हो जाए और इवन हो जाए। तो फ्रेंड्स हमने इसे फिक्स कर लिया है, अब आपके ऊपर है कि आपको हेयर स्टाइल में क्या रखना है। आपको अगर ओपन हेयर अच्छे लग रहा है तो आप ओपन हेयर कैरी कर लीजिए, नहीं तो आप चाहें तो ब्लैक बिंदी भी लगा सकते हैं। तो मुझे जो सही लग रहा है उसके लिए आई थिंक ये ऐसे हेयर स्टाइल काफी सही होगा, थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है और आउटफिट पे सही भी लग रहा है इस टाइम। तो यहाँ पे मैं एक रबर बैंड की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेती हूँ। इस तरीके का लुक काफी अच्छा लग रहा है, आप चाहें तो नेकलेस पहन सकते हैं, नहीं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। या ये लुक आप इजीली अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, इवन आप किसी पार्टी में भी इस लुक को कैरी कर सकते हैं। काफी ब्यूटीफुल लुक है फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत पसंद आया और डेफिनेटली मैं इसको जरूर आगे इन फ्यूचर कहीं ना कहीं इसको लुक को जरूर कैरी करूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप कि आप लोगों को लुक पसंद आया होगा। इस रिक्रिएट लुक के साथ मैंने जस्टिस किया होगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये पूरा मेरा गेटअप कैसा लगा, क्या मैंने बिल्कुल सिमिलर किया या नहीं किया। और अगर आप लोगों को वीडियो प्लीज पसंद आया तो इसको लाइक करें बिना मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।